और भाई क्या हाल है। तो ये है लेटेस्ट द फेस्ट ओएस का एंड्रॉयड 13 अपडेट। और भाई ये जो अपडेट है ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगा है। इस बार जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड इस रॉम के रिगार्डिंग मैं सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अबाउट फोन पेज, द फेस्ट का लोगो, प्लेटफॉर्म वर्जन 13, उसके बाद द फेस्ट वर्जन आपको मिलेगा, 13 ऑफिशियल टेंगो वायु अपडेट, और उसके बाद मेंटेनर का नेम चेक कर सकते हो। स्टिल फैब का सिक्योरिटी पैच लेवल है और कर्नल का आपको नेम देखने को नहीं मिलता, बट जो कर्नल है वो आपको मार्च 21 से अपडेटेड मिलेगा। एंड जो सिलनिक स्टेटस है वो आपका एनफोर्सिंग है। अब जो मार्च का सिक्योरिटी पैच लेवल है ना, वो भाई आपको QPR 3 से रीबेस होने के बाद में मिलेगा, जिसमें अभी टाइम है। बट अगर आप देखोगे यहां पर आपका डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगा, वाइडबैंड L1 है, गूगल फोटोज में आपको यहां पर स्पूफिंग मिल जाएगी। ये रोम में मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है, जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है वो आपकी जाएगी 4000 मिली एम्पीयर के आसपास। एंड अगर आप रोम में बैटरी कंजप्शन देखना चाहते हो, अराउंड आपको जो है 8% पर आर के आसपास एक्टिव ड्रेन मिलेगा। एंड जो आइडल ड्रेन है वो चेक कर सकते हो, काफी कम है, डीप स्लीप वर्किंग है। और सीपी थ्रॉटलिंग ग्राफ में आपका जो सीपी है वो 14% तक थ्रॉटल करेगा। और थर्मल प्रोफाइल्स आपको रोम में नहीं मिलते, ये आपको यहां पर गीकबेंच 6 के स्कोर्स मिलेंगे और 6,15,000 के आसपास एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स हैं। और वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स आप यहां पे देख सकते हो। अंदर जो स्टॉक कैमरा है वो आप चेक करोगे तो ये आपको स्टॉक कैमरा मिलेगा, अपर्चर कैमरा, जिसको आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई कैमरा ना हो तो आप भाई जो है LMC 8.4 ट्राई कर सकते हो। वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप डाउनलोड कर सकते हो। स्लो मोशन वीडियोस आप यहां पे 1/8x तक रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी सारे लेंसेज यहां पे वर्क करेंगे। अब मेन चीज की बात करेंगे वो है क्विक सेटिंग पैनल का लैग, तो वो भाई यहां पे फाइनली फिक्स हो चुका है और ये काफी अच्छे से वर्किंग है। और यहां पे ना कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मोड आपको देखने को मिल जाएगा क्विक सेटिंग पैनल का, ये बाय डिफॉल्ट रहता है और यहां पे मेरे को लैग वगैरह नहीं मिला। एंड जो एनिमेशंस है ना भाई, लिटरली स्मूथ आपको मिलेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस है वो फास्ट है और जो रोम का एक्सपीरियंस है ना वो भाई काफी सुपर स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स है, मैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी आपको चेक करवा देता हूं, तो यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली, ये भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। और डव फेस्ट के जो लॉन्चर है ना, उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने काफी सारे वीडियोस के अंदर बताया है। वैसे इसमें हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का भी ऑप्शन है, और अगर आप स्वाइप अप करते हो ना तो यहाँ पे हैप्टिक्स आपके लिए इनेबल्ड है। अब देखो भाई, डब स्पेस में ज्यादा नए चेंजेस आपको नहीं मिलते, सब कुछ सेम है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। अगर आप एप्स में आओगे तो यहाँ पे गेम स्पेस आपको मिल जाएगा और ये लेटेस्ट अपडेटेड है। और पैरेलल स्पेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, और हाँ इवन आपको टच कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा। लाइक मैंने BGMI के लिए ये कुछ सेटिंग्स कर रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आपको बैटरी का जो स्टैट्स है ना वो मैं अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेटेड है। और यहां पे फर्दर आपको ये जो है एक्सपेंडेड मोड में देखने को मिलेगा। बाकी यहां गिल बैकग्राउंड प्रोसेसेस का ऑप्शन है जो कि वर्क करता है, बाकी स्लीप मोड आप इनेबल कर सकते हो। साउंड में आपको डायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हाईफाई ऑडियो का ऑप्शन है, और यहां पे पावर एंड वॉल्यूम कंट्रोल मिलेंगे, हैप्टिक्स का ऑप्शन मिलेगा, ये एडिशनल सेटिंग्स हैं। और अगर आप जो है डिस्प्ले में आओगे तो यहां पे आपको जो है डिस्प्ले के अंदर पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, बाकी कलर कैलिब्रेशन है, और यहां पे आपको कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहां पे टैप टू वेक, स्लीप, और यहां पे अगर आप देखोगे तो HBM का ऑप्शन है, और ये डेस्कटॉप मोड का भी ऑप्शन आप यहां पर जो है चेकआउट कर सकते हो। एंड ये आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर ग्रिड्स मिलेंगे अराउंड 6x6 तक, यहां पे डायरेक्टली आप जो है आइकन पैक चेंज कर सकते हो, यहां पे जो है फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। आपको पता है प्रीवियस अपडेट में काफी सारे फॉन्ट्स ऐड हो चुके हैं, जिसको आप यहां पे एक्सेस कर सकते हो, और आइकॉन पैक का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड अगर आप जो है सिक्योरिटी में आओगे तो यहां पे आपको जो है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट और डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉकआउट का ऑप्शन है, उसके बाद ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, और ऑटो रीबूट आप यहां पर ट्राई कर सकते हो। सिस्टम में वैसे जेस्चर्स का ऑप्शन है, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन 3 बटन है, हैप्टिक फीडबैक है, और जेस्चर को आप हाइड कर सकते हो, जेस्चर बार है ना जो, उसको हाइड करने का ऑप्शन है। उसके बाद जेस्चर बार लेंथ है, नेविगेशन बार का रेडियस आपको मिलेगा, प्रेस एंड होल्ड पावर मेन्यू के अंदर वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहां पर USB कन्फिग्रेशन है, ये बटन है, और यहां पर अगर आप आओगे पावर मेन्यू में तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एडवांस रीस्टार्ट और पावर मेन्यू का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, और OT अपडेट्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग की बात करें तो 60 FPS में गेमिंग आप कर सकते हो। एंड राइट नाउ भाई जो रोम है ना, एज अ डेली ड्राइवर के लिए या फिर गेमिंग के लिए 60 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये स्टेबल रोम है भाई, आप जो है डेफिनेटली इसको गेमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। टचेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं
नहीं आएगी, कहीं भी मेरे को मेजर हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद में भी मेरे को 60 FPS में मैक्सिमम टेम्परेचर गया 37 के आसपास, और क्लोज रेंज वगैरह में कहीं में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो रॉम वर्थ इट है फ्लैश करना गेमिंग के लिए, एंड जो एक्सपीरियंस है ना भाई काफी स्मूथ रहता है 60 FPS में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।